أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صلوات الله برادرانِ عزیز، قرآنِ حکیم جو تمام امراضِ انسانیت کے لیے نسخہِ شفا ہے، اس کے ایک ایسے مقام کی تلاوت کی ہے میں نے جو بہت ہی عظیم الشان اور محتم بالشان ہے۔ سورہ مبارکہ نصر وہ سورہ ہے جو ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کا آخری مکمل سورہ ہے جو نازل ہوا۔ اس کے بعد کوئی مکمل سورہ نازل نہیں ہوا، اس کے بعد بعض متفرق آیتیں تو نازل ہوئی ہیں لیکن مکمل سورہ نازل نہیں ہوا۔ قرآن حکیم کے سوروں کی تقسیم اور سوروں میں آیات کی ترتیب یہ توقیفی ہے، یعنی یہ من جانب اللہ ہے اور یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، اگرچہ موضوع گفتگو یہ نہیں ہے لیکن جملہ معترضہ کے طور پر زبان پر آ گیا، قرآن مجید میں کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ قرآن مجید رب اکبر کا آخری پیغام ہے جو مقام ختم نبوت پہ نازل ہوا ہے۔ اگر قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف ہو جاتی
तो ख़त्म नबुव्वत के क्या मानी थे? नबुव्वतों का सिलसिला क्यों जारी रहा? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैगाम इलाही लेकर आए थे, उन्होंने वो पैगाम पहुंचाया और उसके बाद उस पैगाम में लोगों ने तहरीफ कर दी, तो फिर दूसरे नबी की ज़रूरत पेश आई। दूसरे नबी ने पैगाम पहुंचाया, लोगों ने उस पैगाम में तहरीफ कर दी, तो फिर तीसरे नबी की ज़रूरत पेश आई। जब तक पैगाम में तहरीफ होती रही, नए नबी की ज़रूरत पेश आती रही। नबुव्वत के ख़त्म होने का ऐलान ही इस बिना पर किया गया कि कुदरत को ये इत्मीनान हासिल हो गया था कि अब तहरीफ नहीं होगी। यहाँ मेंबर तो एक है मगर जाकिरीन बहुत हैं। आप सिर्फ दरूद के सहारे से इन बयानात को कबूल करते चले जाएं ताकि गुफ्तगू आगे बढ़ सके। मैं बहुत ही शर्मिंदगी और निदामत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत कल भी कमज़ोर थी और आज भी कमज़ोर है, और इसीलिए मिंबर तक आने में तकरीबन आधे घंटे की ताखीर हुई। बयान में अगर आज कुछ कमी रह गई तो इंशाअल्लाह कल उसकी तलाफ़ी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन बहरहाल बहरहाल जो कुछ भी मतालब इस वक्त ज़हन में और ज़बान पर आ रहे हैं वो आप तक मुंतकिल करूँगा। क़ुरान हकीम की तहरीफ़ का शुबहा बहुत आम भी कर दिया गया है और माँ बहन निज़ा भी बना दिया गया है, और मुसलमान एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। ये उनको कहते हैं कि तुम तहरीफ के कायल हो, वो उनको कहते हैं कि तुम तहरीफ के कायल हो, और अब एक नया फितना भी बरपा हो रहा है और वो मगरिब की तरफ से बरपा हो रहा है। बाकायदा मंसूबा बंदी हो रही है कि यह साबित किया जाए कि कुरान मजीद में तहरीफ हुई है, ताकि जो इस्लाम के इम्तियाजात हैं, जो इस्लाम के खसूसियात हैं, जो मकाम ख़त्म नबुव्वत के बरकात हैं, उन बरकात पर से इंसान का यकीन उठ जाए। इसलिए इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाना आप सबकी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है, एक एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी है। दुश्मन मंसूबा बंद तरीक़े से काम कर रहा है, और ये याद रखें कि एक तो परवरदिगार आलम ने ख़ुद ऐलान फरमाया है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व नहनु लहू लहाफ़िज़ून, हमने ये ज़िक्र नाजिल किया है, हमने इस क़ुरान को नाजिल किया है, और बेशक यकीनन बिततहक़ीक बिततअकीद हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। एक तरफ़ हिफाजत की ज़िम्मेदारी रब अकबर ने ली है और दूसरी तरफ इस क़ुरान हकीम को
पहुँचाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सईये बलीग फरमाई है, जो मेहनत की है और जो हिकमत तबलीग इख्तियार फरमाई है, उसका भी तकाजा यह है कि कुरान मजीद हर तरह की तहरीफ से महफूज रहे। और तीसरी बात यह है कि ये मुमकिन कैसे है कि कुरान में तहरीफ हो जाती अली के रहते हुए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम वसी रसूल हैं, वलीउल्लाह हैं, खलीफतुल्लाह हैं, खलीफे रसूलुल्लाह हैं और मुहाफिज़ दीन हैं। मुहाफिज़ दीन होने के मानी ये हैं कि वो अपनी ज़ात की क़ुरबानियाँ दे सकते हैं, मगर दीन पर आँच आ जाए ये मुमकिन नहीं है। तो सबसे बड़ा सबूत क़ुरान मजीद के महफूज रहने का ये है कि बाद पैगंबर अली का वजूद था और अली के बाद दूसरे अली का वजूद था और अली के बाद फिर अली का वजूद था और अली के बाद फिर अली का वजूद था और आज भी एक अली पर्दा गैब में मौजूद। आप चाहे ये कहें कि अली के बाद अली, अली के बाद अली, अली के बाद अली का सिलसिला रहा, चाहे ये कहें कि मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद, मोहम्मद के बाद मोहम्मद का सिलसिला रहा। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ज़ाहिर है जब इन्होंने नारे तकबीर लगा दिया तो मैं लाख इशारा करूं, बाकी दो के बग़ैर ये रुक भी नहीं सकते। और रुकना भी नहीं चाहिए, नारे तकबीर के बाद नारे रिसालत ज़रूरी है और जब नारे रिसालत बुलंद हो जाए तो नारे विलायत भी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल ये बिल्कुल जुमला मोतरजा मेरे ज़बान पे आ गया। मेरा मौजू ये नहीं है कि आज मैं तहरीफ़ कुरान पे गुफ्तगू करूँ, लेकिन चूँकि मैंने ये बात अर्ज़ की कि सूरह मुबारक नसर कुरान मजीद का आखिरी मुकम्मल सूरह है जो नाजिल हुआ, तो बस इस ज़िम्न में फिर ये बातें ज़बान पर आ गईं। आखिरी मुकम्मल सूरह, ये सूरों की तकसीम मिन जानिबुल्लाह है, सूरों की तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाई है। और यहाँ पर ठहर कर एक जुमला कह रहा हूँ, इस जुमले के मुजमरात पर गौर करते रहिएगा, मुतालआ करते रहिएगा। और उस जुमले से भी पहले फिर ये जुमला कह दूँ कि तहरीफ का शुबहा बातिल है, बातिल है, बातिल है, चाहे किसी ने लिखा हो चाहे कहीं लिखा हो। मेरे पास हवाले लेकर ना आइएगा, आप जो भी हवाला लाएंगे वो मैं पहले से पढ़ चुका हूँगा, इतना एतमाद कीजिए। किसी ने भी लिखा हो कहीं भी लिखा हो, तहरीफ कुरान का शुबहा बातिल है। कुरान जिस तरह हुजूर को अल्लाह सुबहानहु व तआला की जानिब से मिला था और जिस तरह अल्लाह सुबहानहु व तआला ने हुजूर को इसे तरतीब देकर
उम्मत के सुपुर्द करने के लिए फरमाया था, हुजूर ने उसी तरह तरतीब दिलवा कर उम्मत के सुपुर्द किया। जब कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर फरमाते थे कातिबी ने वही से, इस आयत को फला सूरे में लिखो, इस आयत को फला आयत के बाद लिखो, इस आयत को फला मकाम पर लिखो। ये तरतीब खुद दिलवा रहे थे, ये तरतीब खुद हुजूर दिलवा रहे थे। और कितनी रिवायतें मौजूद हैं, एक तो ये मुस्तकिल दलील है कि हुजूर ने तरतीब दिलवाई, फिर दूसरी दलील हुजूर ने फवाइल बयान किए हैं, जो सूरह यासीन की तिलावत करेगा उसका इतना अजर है। सूरह यासीन कल्ब कुरान है, सूरह यासीन इसलिए भी कल्ब कुरान है कि उसमें इमाम मुबीन का जिक्र है। ये सूरह यासीन, इसकी तिलावत का सवाब मालूम है आपको? एक बार सूरह मुबारक यासीन की तिलावत 12 मरतबा ख़त्म क़ुरान के सवाब के बराबर है। और फरमाया आपने कितनी बार? एक बार सूरह यासीन की तिलावत 12 ख़त्म क़ुरान के सवाब के बराबर है, ये रिवायत है। और इसके अलावा ये भी है कि सूरह यासीन जो शख्स रोज़ाना तिलावत करे, ये सूरह मुबारक यासीन उसकी हिफाजत इस तरह करती है जैसे मैदान कारजार में ज़रा किसी मुजाहिद की हिफाजत करती है। ज़रा याद रखिएगा, हर तरह से आपकी इज्जत, आपकी आबरू, आपकी जान, आपका जिस्म, हर चीज़ की हिफाजत करती है सूरह यासीन। बाज़ जगहों पर हमारा मुआशरा इतना ज़ईफ़ुल एतिक़ाद हो गया है, इतना ज़ईफ़ुल एतिक़ाद और ऐसी नादानियों और जहालतों में और तवहुमात में मुब्तला हो गए हैं कि एक साहब तशरीफ़ लाए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हुजूर, मौलाना, सरकार, क़िबला, जो कुछ भी कहना चाहते हैं, ज़बान पे कौन ताला लगा सकता है, ये मुसीबत है, वो मुश्किल है, ये परेशानी है। मैं सब सुनता रहा, उसके बाद मैंने कहा कि आप रोज़ाना सुबह नमाज सुबह के बाद सूरह यासीन की तिलावत कर लिया कीजिए। जैसे ही मैंने सूरह यासीन का नाम लिया, उनके चेहरे का रंग फ़क़ हो गया, चेहरे का रंग जर्द हो गया और मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कोई मुबालिगे से काम नहीं ले रहा हूँ। और उन्होंने कहा, हुजूर, मैं तो आया हूँ आपसे हिफ्ज़ो अमान की दुआ तलब करने के लिए। तो मैंने कहा, मैं क्या आपको हलाकत की दुआ बता रहा हूँ? कहा, वो तो मैंने कहा, वो तो क्या का वो तो, मतलब उनका कहना ये था कि सूरह यासीन तो बस मरते वक्त पढ़ी जाती है। ये है शुऊर, ये है शुऊर दीनी और ये है ज़ौक़ ईमानी और ये है मालूमात का अंदाज़ा कि सूरह मुबारक यासीन तो बस इंतज़ार के वक्त पढ़ी जाती है, जब मरीज़ एड़ियाँ रगड़ रहा हो, दम टूट रहा हो। उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उस वक्त जो पढ़ी जाती है इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि दम आसानी से निकल जाए, इसलिए पढ़ी जाती है कि उसमें से मौत का खौफ निकल जाए और हयात अबदी का यकीन पैदा हो। इसलिए नहीं पढ़ी जाती है कि आसानी से दम टूट जाए, नहीं, इसलिए पढ़ी जाती है, इसलिए मुस्तहब है कि दम ठहर जाए, दम टूट जाए नहीं, दम ठहर जाए, उसके अंदर से मौत का खौफ
निकल जाए और हयात अबदी का यकीन पैदा हो जाए। बल्कि उसे हयात अबदी का मुजदा ही सुनाया जाता है सूरह यासीन की शक्ल में। मुझे हालांकि ये सब आज बयान नहीं करना था, मगर ज़बान पे आ रही है बात तो अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ। आप हजरात का ममनून हूँ। इसी साल मई में 3 मई की सुबह मेरे वालिदे माजिद का इंतकाल हुआ। आप हजरात बार बार उन्हें याद फरमा रहे हैं और ईसाले सवाब कर रहे हैं। मैं ममनून हूँ, खुदा आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे वालिद ने मेरी तरबियत जब की बचपन में और तालीम दी तो अजीब अंदाज था उनका। 3 बरस की उम्र में, बल्कि 3.25 बरस की उम्र में उन्होंने बिस्मिल्लाह से कुरान मजीद पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद तकरीबन मेरी उम्र 4.5 बरस थी जब वो रोज़ाना 5 आयतें पढ़ाते थे तर्जुमे के साथ। टोटल निसाब हमारा उस वक्त ये था कि वो सुबह सवेरे 5 आयतें कुरान मजीद की पढ़ाते थे तर्जुमे के साथ और इसी तरह उन्होंने पूरा कुरान पढ़ाया। और एक आयत है जिसको आप हजरात बहुत याद रखते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जब इस आयत पर पहुँचे तो उन्होंने सादा सा तर्जमा नहीं याद कराया, कहा सुनो उसी उम्र में, कहा एक बात अभी बता देते हैं, समझा देते हैं, हमेशा याद रहेगी। खुदा उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। ये नुक्ता आज तक किसी किताब में मुंतकिल नहीं हुआ है, किसी तफसीर में भी नहीं मिलेगा, लेकिन जो नुक्ता है वो इल्मी है, हकीकी है, वाकई है। फरमाया कि देखो इस आयत को लोग समझते हैं कि फना और मौत का पैगाम सुनाया गया है, ऐसा नहीं है। क्या कहा गया है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसमें 4 अल्फाज हैं, कुल नफ्स ज़ाइक़ा मौत, 4 अल्फाज उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होते हैं, कोई अजनबी लफ्ज़ नहीं है। कहा कि इसका तर्जमा मुश्किल नहीं है, समझना मसला है। तर्जमा फिर भी मुश्किल नहीं है, समझना फिर भी मसला है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मज़ा चखने वाला है, हर ज़ात मौत का मज़ा चखने वाली है। क्या लोग समझते हैं कि इसमें फ़ना की बात कही गई है कि सबको मरना है? फिर उन्होंने मिसाल दी, देखिए ये जो हमारी तहज़ीबी चीज़ें हैं इन्हें महफूज रखिएगा। बाज़ ऐसे गरोह आ रहे हैं मुसलमानों में जो तबलीग करते हैं कि ये शिर्क है, ये बिदअत है, ऐसा ना करो, और ये तौहीदी कल्चर का हिस्सा नहीं है। ये तौहीदी कल्चर का हिस्सा है। ये जो नज़रें होती हैं, ये जो नियाज़ों का सिलसिला होता है, इसे बाकी रखिए। उन्होंने मिसाल दी कि बेटा ये घर पे जो नज़र होती है 13 रजब को, 27 रजब को, 22 रजब को, कूंडे होते हैं, कूंडा कहा जाता है बाज़ इलाक़ों में, 27 रजब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मबाथ है, शब मेराज है, इसलिए हुजूर की नज़र होती है, हुजूर की तरफ से मोमिनीन एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। 13 रजब को कुछ कहने की बात, तेरा रजब को सदफ़े काबा से मोती पैदा हुआ।
काबा गौहर नहीं सदफ है, और सदफ की कीमत सिर्फ गौहर की खातिर होती है। सदफ की जाती कोई हैसियत नहीं होती, सदफ की हैसियत गौहर की खातिर। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत है, नज़र होती है। तो बहरहाल कहा, ये नज़रें होती हैं तुम्हारे घर भी होती है? मैंने कहा जी होती है। कहा पूरा शहर चखने के लिए आता है? जी आता है। कहा ये बताओ, जो चीज़ रखी जाती है चखने के लिए वो ख़त्म होती है या चखने वाले ख़त्म होते हैं? मेरा ख्याल है ये बच्चा भी समझ जाएगा, जो चीज़ चखने के लिए रखी जाती है वो ख़त्म हो जाती है, चखने वाले बाकी रहते हैं। क्या कुरान कह रहा है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, यानी बिलाखर मौत नाबूद हो जाएगी, नफूस बाकी रहेंगे। कुरान पैगाम फना नहीं, पैगाम बका है। बहरहाल निकाल दें दिल से वहम मौत का। हज़रत मीर तकी मीर ने किस दिलावेज अंदाज में कहा है कि मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। मर्ग एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। दम तोड़ना नहीं है, दम का ठहरना है। तो सूरह मुबारक है यासीन। मीर ने तो और भी बहुत कुछ कहा है। मीर की शायरी में इरफानी पहलुओं का जायज़ा नहीं लिया गया। मीर के 72 नश्तर तलाश किए गए। जब उदबाशवारा सामने होते हैं तो मेरी वो रग भी फड़कने लगती है। शाकिर हुसैन शाकिर साहब तशरीफ़ फरमाएँ और हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। ये अभी तक तश्ना है बाप, मेरी नज़र से तो नहीं गुज़रा कि मीर तकी मीर के यहाँ तगज़ल, मीर तकी मीर के यहाँ इश्क, मीर तकी मीर के यहाँ 72 नश्तर, मीर तकी मीर के यहाँ सोज़ो गम, मीर तकी मीर का अलम, ये सब बहसें हुई हैं। मगर मीर तकी मीर के यहाँ इरफानी निकात, मर्द आरिफ थे मीर। और उर्दू अदब के बाद सहीफ़ों में यहाँ तक तस्करा है कि मीर की कब्र पर दुआ मुस्तजाब होती थी। मीर तकी मीर, तो मीर ने तो बहुत सी बातें कही हैं। इंसान की अजमत के कसीदे जो मीर की गज़लों में हैं, मुश्तखाक अपनी जो पामाल है यहाँ उस पे न जा, मुश्तखाक अपनी जो पामाल है यहाँ उस पे न जा, सर को खींचेगा फलक तक ये गुबार आखिरकार। सर को खींचेगा फलक तक ये गुबार आखिरकार। ये मीर है। यहाँ भी यही है कि हमें नाबूद नहीं होना है, फना नहीं होना है, हमारे अज्जा बिखर नहीं जाएंगे, हम गुबार बन के नाबूद नहीं हो जाएंगे, बल्कि फलक तक बुलंदी है। फलक तक बुलंदी है। फिर एक शेर और याद आ रहा है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। मीर तकी मीर ने इंसान की अजमत को किस तरह पेश किया है। फरमाते हैं कि आब हयात वही ना जिस पर खिजर सिकंदर मरते थे, आब हयात वही ना जिस पर खिजर सिकंदर मरते थे, खाक से हमने भरा वो चश्मा ये भी हमारी हिम्मत है। खाक से हमने भरा वो चश्मा ये भी हमारी हिम्मत है। ये किसकी हिम्मत है?
इंसान आरिफ की हिम्मत है, इंसान मोमिन की हिम्मत है, इंसान मुस्लिम की हिम्मत है, इंसान खुदा शनास हिम्मत। हिम्मत इल्म इरफान और सैर व सलूक की ख़ास इस्तिलाह है। ये लुगत में जो आम मानी हिम्मत के लिखे हुए हैं वो मुराद नहीं है। हिम्मत ये एक सैर व सलूक में गामजन फ़र्द की हिम्मत है। हिम्मत आरिफाना, हिम्मत फ़तह फुतूवत की राह में जो हिम्मत होती है, एक पूरा इल्म है इल्म फुतूवत। उलूम बातिनिया में, उलूम बातिन भी ऐसा बातिन नहीं, उलूम सैर व सलूक में, उलूम तसव्वुफ में, उलूम इरफान में एक इल्म है इल्म फुतूवत। जो अहले नज़र हैं वो जानते हैं, जो नहीं होंगे आज जाके मुतालआ करेंगे, आज के बाद मुतालआ करेंगे, तलाश करेंगे इल्म फुतूवत क्या है। मैं इतना बता दूं कि फुतूवत का कलिमा आया कहाँ से। फुतूवत का कलिमा आया है फ़तह से। ये फ़तह का लफ्ज़ क़ुरान में मौजूद है और आप लोगों को क़ुरान मजीद में फ़तह का लफ्ज़ तलाश करने में अगर दिक्कत हो तो फिर कम से कम वो मिसरा याद रखिएगा जो जिब्राइल ने दीवान कलाम इलाही से निकाल कर जनाब अमीर की मदह में पढ़ा था। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। फता फता, ये फता इसके मानी कुछ और है। फता के मानी जवान के नहीं है, जवान मर्द के हैं। जवान बूढ़ा हो जाता है, जवान मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। जवान मर्दी कभी ख़त्म नहीं होती, जवानी ढलती है, जवान मर्दी नहीं ढलती। बहरहाल बात से बात निकलती चली जा रही है। ये सूरह मुबारक है यासीन जो है, बात वहाँ थी कि ये इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि इंसान कदम टूट जाए, बल्कि इंसान कदम ठहर जाए और उसे पैगाम हयात अबदी मिल जाए। सूरह यासीन के ख़त्म का सवाब कितना बताया, 12 ख़त्म क़ुरान का सवाब। सूरह मुबारक है वल आदियात, इसके ख़त्म का सवाब पूरे एक ख़त्म क़ुरान का सवाब। सूरह मुबारक है कुल हुवल्लाह 3 मरतबा पढ़ लीजिए, ख़त्म क़ुरान का सवाब। सूरह मुबारक है ज़िलज़ाल 4 मरतबा पढ़ लीजिए, ख़त्म क़ुरान का सवाब। सूरह मुबारक है काफिरून 4 मरतबा पढ़ लीजिए, ख़त्म क़ुरान का सवाब। ये सब या सूरह बकरा की तिलावत का सवाब, सूरह आले इमरान की तिलावत का सवाब, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। सवाल ये है कि अगर क़ुरान की तरतीब बाद के लोगों ने दी है, क़ुरान बाद में जमा हुआ है, सूरे बाद में मुरतब हुए, तो किस चीज़ को रसूल कह रहे थे कि इसके पढ़ने का इतना सवाब है। अगर क़ुरान बाद में तरतीब पाया, सूरे बाद में मुरतब हुए, आयतें बाद में तरतीब दी गई गवाहियां ले लेकर किसी पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, गवर्नमेंट का एक मिशन था कि क़ुरान मजीद को हमें जमा करना है, मुरतब करना है, और लोगों की गवाहियां ले लेकर क़ुरान मजीद मुरतब किया जाता था। ये पूरी जो दास्तान खल्क की गई और हदीस की किताबों में दर्ज कर दी गई, ऐसी कि उस पर यकीन कभी मुतजलजल नहीं होता, जिसकी बिना पर शुभ तहरीफ पैदा हुआ है, जिसकी बिना पर शुभ तहरीफ पैदा हुआ कि अगर हुजूर ने जमा नहीं किया था, बाद के लोगों ने जमा किया, तो जाहिर तहरीफ हो गई होगी। लोग क्या, उनका हाफिज़ा क्या, लोगों का हाफिज़ा तो मालूम है, तारीख़ में इल्म रिजाल पढ़िए तो अंदाज़ा होगा कि क्या क्या हाफिज़ा था लोगों का। तो बहरहाल मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीफ़ क़ुरान का शुबहा दिलो दिमाग से निकाल दें,
चाहे वो गुज़श्ता लोगों की तहरीरों से पैदा हुआ हो या आइंदा लोगों की तहरीरों से पैदा हो। मसलन मुझे अभी लाहौर में एक इत्तला दी गई है कि जर्मनी में एक ख़ास नुस्खे कुरान पर रिसर्च हो रही है और वो ये है कि कहीं कोई टीम गई थी और उसने एक्सकेवेशन के दौरान ज़मीन की हफ़ारी के दौरान तारीख़ी तहकीक में उन्हें कोई बहुत ज़मीन की गहराई में संदूक मिला और उस संदूक को खोला गया तो उसमें कुरान मजीद का एक पुराना नुस्खा मिल गया और उसको जब पढ़ने की कोशिश लोगों ने की तो मौजूदा कुरान से मुख्तलिफ़ उसमें कुछ मिली चीज़ें और उसकी रिसर्च कहाँ हो रही है जर्मनी में। वाज़े है। अब जाहिर है वो रिसर्च जब आएगी तो हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे और जवान और फिर वो मीडिया में पेश किया जाएगा और फिर ये होगा लोग आएंगे हुजूर ये बताइए कि ये अल्लाह ने तो कहा नहनु नज़ल न ज़िक्र व नहनु लहू लहाफिज़ून हम कुरान को नाजिल करने वाले हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं फिर ये कैसे हो गया। ये कुछ नहीं हुआ जर्मनी में जो कुछ हुआ होगा हुआ होगा कुरान में कुछ नहीं हुआ। तवज्जो है कुरान में कुछ नहीं हुआ। बहरहाल ये बात ये एक जुमले मोतरजा था जो बहुत तवील हो गया और तकरीबन पूरी मजलिस हो गई। सूरह मुबारक नसर वो सूरह है जो कुरान मजीद का आखिरी नाजिल होने वाला सूरह है और जब ये सूरह नाजिल हुआ तो हुजूर के चेहरे पर एक संजीदगी जाहिर हो गई हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। ज़रा देखिएगा ये सब ये सही है। लोगों ने कहा कि हुजूर क्या बात है कहा मुझे मेरी सुनानी सुना दी गई। यानी गोया इस सूरह का नाजिल होना ये इत्तला है कि अब ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी साल है मुझे मेरी वफ़ात की खबर दी गई। इस सूरह में तो कहीं वफ़ात का जिक्र नहीं है। إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। कुल इतना सूरा इसमें ना लफ्ज़ मौत है ना शहादत है ना विसाल है ना वसल है ना फिराक है ना इंतकाल है ना इर्तिहाल है। इस कबील के जितने अल्फाज हो सकते हैं सराहत या किनाए के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। फिर हुजूर ने कैसे समझा मज़मून है सूरह यह है कि जब अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से नसर मदद और फतह आ जाए और लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल होने लगें तो आप अल्लाह की हम्दो सना करें तस्बीह पढ़ें हम्द के साथ और इस्तिग़फ़ार करें अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। इसमें मौत का तज़किरा कहाँ है नहीं है ना। लेकिन हुजूर के जानिब से सहीहु सनद हदीसें मौजूद हैं कि हुजूर ने फरमाया कि ये मेरी मौत की खबर दी गई है। उसके बाद हुजूर को मुस्कुराते हुए किसी ने नहीं देखा और हुजूर मुसलसल या तस्बीह इलाही पढ़ते थे या इस्तिग़फ़ार मुसलसल। यहाँ से एक और पहलू पैदा होता है यहाँ तक जहन मेरा इसलिए आया कि आज दोपहर की नशस्त में एक साहब ने सवाल किया था और मैंने उनसे वादा कर लिया था कि आज मेंबर से उसका जवाब दूंगा। वो सवाल ये था कि जो आज पूरी दुनिया मुब्तला है जिस मुसीबत में जिस आफत में और ख़ास तौर से इस्लाम और मुसलमान जिस बला में गिरफ़्तार हैं उससे मुतालिक था। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ये बताइए कि इस्लाम का टेररिज्म से क्या ताल्लुक़ है इस्लाम का दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक़ है। जनाब अख्तर नकवी साहब के यहाँ की नशस्त में आज एक साहब ने ये सवाल किया था और बड़ी संजीदगी से उन्होंने कहा कि आप उस मुसन्निफ़ का नाम बताइए जिसने
इस मौजू पर किताब लिखी हो ताकि मैं उसका मुताला करूँ। गोया वो ये समझते हैं कि वाकयन इस्लाम का कहीं से टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ है और किसी मुसलमान आलिम ने कोई ऐसी किताब लिखी है जिसमें इस्लाम का टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ है। इस्लाम का तो टेररिज्म से कोई ताल्लुक़ है ही नहीं, ये चीज़ एक इस्टेब्लिश फैक्ट है। जैसे सूरज का कोई इनकार नहीं कर सकता, उस तरह इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि इस्लाम का टेररिज्म से, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। काश मेरी बात जहाँ तक जा रही है, जितने अफराद सुन रहे हैं वो इस बात को समझ सकें। इस्लाम का दूर दूर कहीं दहशतगर्दी या जुल्म और तादी से और टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम दीन रहमत है, कल मैंने अर्ज़ किया, इस्लाम सरासर दीन रहमत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी रहमत है, पैगाम पैगाम रहमत है, शरीयत शरीयत सहला और शरीयत रहमत है। इस्लाम के मानी ही है सर बसर तस्लीम हो जाना। इस्लाम का इश्तिकाक सिल्म से है, और सिल्म कहते हैं अमन और अमन पसंदी को। इसलिए कहीं इस्लाम का ताल्लुक टेररिज्म या दहशतगर्दी या सख्त गिरी से नहीं है, तशद्दुद से नहीं है, कत्ल व गारत से नहीं है, जुल्म व तादी से नहीं है। और जब इस्लाम का नहीं है तो मुसलमान का भी नहीं हो सकता, और इसलिए अगर किसी का है टेररिज्म से ताल्लुक तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। ये पैगाम नोट कर लें, इसे आम करें। इस्लाम का ताल्लुक या मुसलमान का ताल्लुक टेररिज्म से नहीं है। ये बात यूं भी मुल्तान में मैं बहुत दर्द अलम के साथ और रंजीदगी के साथ और पूरी दिलसोजी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ। जब लोगों ने मुझसे नकल किया कि मुल्तान में कभी भी कोई इस तरह का तखरीबी अमल नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं हुआ, लेकिन पिछले दिनों यहाँ एयरपोर्ट पर हमला हुआ और कितने बेगुनाह और मासूम लोग और बच्चे भी उसमें शहीद हुए। ये मसला इसके रेशे से, इसकी जड़ से समझने से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन ये मसाइल भी इस मेंबर से डिस्कस होने चाहिए। जितनी दूर दूर से लोग आए हैं, मर्द आए हैं, औरतें आई हैं, सब सुन रहे हैं, सुन के जाएं और दिलों से जहनों से शकूक शुबहात अवहाम तासुबात निकाल दें। इस्लाम की हकीकत को समझें, अपने दीन की हकीकत को समझें और उस पर नाज करें, फ़ख्र करें, फ़ख्र करें, शर्मिंदगी का एहसास ना करें। और जो आपका नहीं है उसे अपना ना कहें। जो आपका नहीं है उसे अपना ना कहें। जिसे डिसओन करना चाहिए उसे क्यों ओन कर रहे हैं? ये बात मैं हिंदुस्तान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में और आपके मुल्क में कराची में कह चुका हूँ और यहाँ फिर कह रहा हूँ। इल्मी तज्जिया अगर आप करें, इल्मी तज्जिया, फिक्री तज्जिया, मंतकी तज्जिया, पूरी तहकीक के साथ, तो इसके अलावा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा कि दुनिया में जब भी टेररिज्म वजूद में आया है और आज बतौर ख़ास आज का 21वीं सदी का टेररिज्म, ये मजहब की देन नहीं है, रूहानियत की देन नहीं है, किसी रिलीजन की देन नहीं है, यह है कैपिटलिज्म की देन। बात बुरी लगेगी उन लोगों को जो सरमाया परस्त हैं। देखिए, इस्लाम ने
सरमाया दारी को बुरा नहीं कहा है, सरमाया परस्ती को बुरा कहा है। सरमाया रखना बुरी बात नहीं है, सरमाए की परस्तिश करना बुरी बात है। एक सीने में दो दिल नहीं हो सकते, इसलिए परस्तिश किसी एक ही की होगी, या खुदा की परस्तिश कर लें या सरमाए की परस्तिश कर लें, या खुदा परस्त होगा बंदा और या जर परस्त होगा या सनम परस्त होगा या नफ्स परस्त होगा या हवा परस्त होगा, लेकिन एक वक्त में दो की परस्तिश मुमकिन नहीं है। सरमाया परस्ती लानत है, सरमायादारी सआदत है। लुगवी एतबार से सरमाया रखना, सरमाए का मालिक होना सआदत की बात है, ये बुरी बात नहीं है। इस्लाम का ये पैगाम नहीं है मेरे, काश जितने हजरात तशरीफ लाए हैं गांवों से, कस्बात से, देहातों से, शहरों से, वो ये बात समझ के जाएं, ये दर्स लेके जाएं, जब तस्करा होता है मिंबरों से कि पैगंबर अपने पेट पे भूख से फाके से पत्थर बांध लिया करते थे, अमीरुल मोमिनीन तीन तीन दिन भूखे रहते थे, अहले बैत के घराने में फाका होता था, तो वो एक पैगाम ये लेके जाते हैं कि गोया फ़क्र व फाके में ज़िंदगी बसर करना बेहतर है। सरमाया रखना, दुनिया को हासिल करना इस्लाम में मज़मूम है, ऐसा नहीं है। परवरदिगार आलम, आपका खुदा, आपका रसूल, आपके इमाम ये नहीं चाहते कि इफलास से, नादारी से, भूख से, फ़क्र से, फाके से, बीमारियों से आपका चेहरा जर्द हो, सरमाया आपके पास हो, दुनिया आपके कदमों में हो, सेहत आपके जिस्म और रूह में हो, और फिर खौफ खुदा से चेहरा जर्द हो जाए। ये मंजूर है लाइए, खौफ खुदा से, खौफ खुदा से। फकीर रहने की तालीम नहीं दी गई है, हरगिज नहीं, लेकिन वो रिश्ता जो आप डेवलप करते हैं दुनिया से, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। देखिए ये पैगाम लेके उठिए और समझ के जाइए, दुनिया बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा ये तो कहते कहते दरमियान में कह दूँ मैं कि जब मेरी तबीयत अच्छी होती है, बुलंद आवाज़ से और तेज़ तेज़ मजलिस पढ़ता हूँ तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और जब तबीयत ख़राब होती है और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना हूँ तो जब ख़त्म होगी तो होगी। बात आवाज़ बुलंद सरवा, बात तो पूरी हो, इसलिए कि जिस तरह तबीयत बिखरी हुई है तो अभी तक मजलिस शुरू तो हो नहीं पाई है, अभी तो तमहीदी बातें हैं। हो सकता है आज तमहीदी पे गुफ्तगू रहे, कल मजलिस पढ़ूँ, मगर बहरहाल ये जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ ये बातें अहम हैं, ये बातें अहम हैं। दिलों में, दिमागों में शुभात हैं, शकूक हैं, और शुभात पैदा किए जा रहे हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। कहाँ से दूर करेंगे? इसी मेंबर से। ये मेंबर मामूली इंस्टीट्यूशन नहीं है, पूरा इस्लाम पैगंबर ने मेंबर से पेश किया है। दरस इंसानियत, दरस खुदाशनासी, शरीयत, आखिरत की बातें और दुनिया की बातें सब इसी मेंबर से पेश की गई हैं। तो मेंबर के मजामीन को लिमिटेड न कीजिए, ये न समझिए कि मेंबर से बस ये कहना है और ये नहीं कहना है। मेंबर से हर वो बात कहनी है जो कहने की है, गुफ्तनी बातें, नागुफ्तनी बातें मेंबर से नहीं कह सकते, नागुफ्तनी कहीं भी नहीं कह सकते, गुफ्तनी मेंबर से कहनी चाहिए।
तो ये मौजू बहुत अहम है, इसे दानिश्वरों को, सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और जितनी कुव्वत से आज का वेस्टर्न मीडिया इस बात को प्रोपेगेट कर रहा है कि मुसलमान टेररिस्ट है और इस्लाम टेररिज्म से जुड़ा हुआ है और कुरान मजीद में टेररिज्म की बुनियादें हैं, अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी ने तकरीर कर दिया कर कि कुरान मजीद में टेररिज्म की बुनियादें हैं, कुरान मजीद पे बैन लग जाना चाहिए, कुरान मजीद में टेररिज्म की तालीम और तबलीग है। मुसलमानों ने वहाँ सड़कों पे आकर एहतजाज किया और सब कुछ हुआ। ये जिस कुव्वत के साथ मीडिया पेश कर रहा है और मगरबी ताकतें पेश कर रही हैं, उसी कुव्वत के साथ आपको इन निकात को समझना चाहिए। सिर्फ एहतजाज करने से बात नहीं बनती है कि सड़कों पर आ गए एहतजाज कर दिया, ये मनफी तरीक़ा है। मुस्बत अंदाज में फिक्री और इल्मी तज़िया करके बताइए कि टेररिज्म की बुनियाद किसी मजहब में नहीं है, किसी रूहानी डिसिप्लिन में नहीं है, किसी रूहानी निज़ाम में नहीं है, बतौर ख़ास इस्लाम में नहीं है, कुरान में नहीं है, पैगाम मुहम्मदी में नहीं है, मुस्लिम कल्चर में नहीं है। अगर टेररिज्म की बुनियाद है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म में है। ज़ाहिर है ये बात सबसे ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ को बुरी लगेगी, लेकिन ये हकीकत है, सच्चाई है। सरमाया परस्त हर चीज़ को इंडस्ट्री बना देता है, चुनांचे मज़हब को भी इंडस्ट्री बना दिया। इसके बाद जो जुमले कहना चाहता हूँ नहीं कहूँगा, एहतियातन एक सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। अगर इस्लाम में और कुरान में तशद्दुद और टेररिज्म की बुनियाद होती तो ये बताइए, यही सूरह सूरह मुबारक है नसर, जब अल्लाह की नुसरत आ जाए, मदद आ जाए, फतह हासिल हो जाए, तो फिर क्या होना चाहिए? हमारे कानून को नाफिज करो, कोई हमारी सरताबी ना करे, कोई बगावत करे तो सर कलम कर दो, रूए ज़मीन पर कोई ऐसा बाकी ना बचे जो कलिमा गो ना हो। इसलिए कि तुम्हारे पास नुसरत भी आ चुकी है, फतह भी हासिल हो चुकी है, अब तुम गालिब आ चुके हो। क्या यही है पैगाम? अगर ये पैगाम होता कुरान में तो कहने वाले को हक था कि दीन में तशद्दुद की बुनियादें हैं, कुरान में टेररिज्म की बुनियाद है, कुरान टेररिज्म की तालीम देता है। नहीं, जब तुम्हें मदद हासिल हो जाए, जब तुम्हें नुसरत मिल जाए, जब तुम्हें फतह हासिल हो जाए और लोग जूक दर जूक इस्लाम में दाखिल हों, तो फिर क्या करो? फसब्बह बिहम्द रब्बिका वस्तगफिर, तुम अपने रब की तस्बीह करो उसकी हम्द के साथ और इस्तिग़फ़ार करो। ये पैगाम रहमत है या पैगाम तशद्दुद? तवज्जो है, एक मकाम से सिर्फ मैं अर्ज कर रहा हूँ, पूरा कुरान पैगाम रहमत से भरा हुआ है। कुरान मजीद ने अगर जंग की कहीं मजबूर रन इजाजत भी दी है तो अज़बाब रहमत, कुरान मजीद ने जो सजाएं तजवीज़ की हैं वो भी अज़बाब रहमत, कुरान मजीद में जो चंद हदूद हैं वो भी अज़बाब रहमत। उसकी मिसाल मैं अर्ज़ करूं, मैंने कल शायद मेरी ज़बान पे एक तरकीब आ गई थी, एक ताबीर मैंने की थी, कहर मोहब्बत। कुछ लोग समझे होंगे, बहुत से लोग शायद ना समझे हों कि मोहब्बत का कहर से क्या ताल्लुक़ है। बहुत का ताल्लुक है, ये ख़ास तौर से हमारा रब जो है ना, रब, रब करीम, रब रहीम, रब अज़ीम, रब रहमान, रब रऊफ, रब वदूद, ये वो रब है कि जिसने अपने कहर व गज़ब का तो अभी तक इजहार ही नहीं किया है।
इस दुनिया में अगर कोई जबर है तो वो सिर्फ जबर मोहब्बत इलाहिया है। जबर मोहब्बत, जबर मोहब्बत होता क्या है? कभी कभी क्या अक्सर घरों में ये होता है कि छोटा सा बच्चा है, गोद में है, दूध पीता बच्चा है, और माँ उसे चांटे लगाती है। क्यों लगाती है? जब बड़ी बूढ़ी आके नई नवेली दुल्हन और वो उसे चांटा लगा रही है और सास साहिबा आके समझा रही हैं और इसी पे झगड़े हो जाते हैं, घर टूट जाता है। कैसे बच्चा भी पालने नहीं आता, छोटे से बच्चे को कहीं मारा जाता है, और मारने का सबब क्या होता है? ये भूखा है, बिलक रहा है, रो रहा है, मगर मैं दूध दे रही हूँ, दूध पी नहीं रहा है, बताइए अब क्या करूं? माँ बच्चे को क्यों मार रही है? कि इसे गिजा की जरूरत है, मैं गिजा दे रही हूं और गिजा ले नहीं रहा है, प्यासा है, पानी पिला रही हूं, पानी पी नहीं रहा है। गौर फरमाया आपने, ये जबर है, ये कहर है, मगर यह है कहर मोहब्बत। यह है जबर मोहब्बत। इस पूरी कायनात में अगर इंसान पर रब्बे करीम की तरफ से कोई जबर व कहर है तो वो सिर्फ जबर मोहब्बत और कहरे रहमानियत है, इसके अलावा कोई जबर व कहर नहीं है। इसलिए कि आप सांस लेना छोड़ दें मर जाएंगे, खाना खाना छोड़ दें दम निकल जाएगा, प्यासे रहें मौत आ जाएगी, मगर खुदा का सजदा ना करें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह सुबहानहु व तआला हकीम है, कादिर है, खालिक है, खलाक है। अगर वो चाहता तो इसी फजा में दोहरी तासीर रख देता, जो मेरा कलमा पढ़े उसके फेफड़े में जाना तो जिंदगी बन जाना, जो मेरा मुनकिर हो उसके लिए जहर बन जाना। ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह पानी में दोहरी तासीर रख देता, जो मेरे नेक बंदे हैं उनको हयात देना, जो मेरे बुरे बंदे हैं उनको मौत की नींद सुला देना। अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए कि अल्लाह अपना सजदा बजबर नहीं लेना चाहता। बजबर सजदा नहीं कराना चाहता, एक इबादत भी बजबर नहीं चाहता। लेकिन जो चीजें हमारे वजूद की बका से मुताल्लिक हैं उन्हें बजबर नाफिज करता है। सांस लेना तुम्हारे लिए जरूरी है, सांस लेनी पड़ेगी, बगैर सांस लिए रह नहीं सकते। ऐसा जिस्म बनाया कि मुसलसल सांस ले रहे हैं, बे इख्तियार सांस लिए चले जा रहे हैं। निजाम ऐसा बना दिया कि बे इख्तियार सांस ले रहे हैं, हमने सांस लेने का पूरा निजाम रखा, हमारे अतराफ में सांस लेने के लिए जो फजा और हवा जरूरी है वो इतनी आम और फरावान रख दी कि कभी कमी ना महसूस हो। क्या वो खुदा हमारे जिस्म को इस तरह नहीं तख्लीक कर सकता था कि जब नमाज का वक्त हो तो खुद ब खुद जिस्म ठहर जाए और सजदे में झुक जाए? मैं मिसाल दूं, जब इंसान को नींद आती है तो बे इख्तियार नींद आती है और सो जाता है, इरादतन नहीं सोता, बे इरादतन सोना चाहे तो नहीं सो सकता। जब नींद आती है तो बे इख्तियार सो जाता है। ये नींद रहमत खुदा है, लुत्फ खुदा है, क्योंकि इस जिस्म के बका के लिए नींद भी ज़रूरी है, जहन की और रूह की ताजगी के लिए नींद भी ज़रूरी है। तो जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है उसे जबरन नाफिज किया। सुने मजहब की रूह को,
और रब की रहमत को। इस्लाम दीन रहमत है, कुरान किताब रहमत है, रसूल रसूल रहमत है। क्यों अर्ज कर रहा हूँ, क्यों अर्ज कर रहा हूँ? जिस खुदा ने ये निज़ाम रखा कि जब जिस्म थक जाए बे इख्तियार नींद आ जाए, मुहावरा है कहते हैं सूली पे भी नींद आ जाती है, बे इख्तियार नींद आ जाए, उसने ये निज़ाम क्यों नहीं जिस्म में रखा कि जब फजर का वक्त हो तो बे इख्तियार नींद खुल जाए। जब नमाज का वक्त हो बे इख्तियार इंसान बेदार हो जाए। कहा नहीं, जो चीज तुम्हारे लिए जरूरी है सुलाऊंगा बे इख्तियार। अब ये तुम्हारा ज़र्फ़ और ज़ौक है कि तुम अपने इख्तियार से उठ के मुझे सजदा करो। नींद बे इख्तियार आती है तो नमाज के लिए नींद खुलती क्यों नहीं बे इख्तियार? अगर नमाज के लिए नींद खुले बे इख्तियार तो जबर लाजिम आएगा। मैं ये जबर नहीं चाहता हूँ, जबर मोहब्बत है, जबर राफत है, जबर रहमानियत है, कहर मोहब्बत है। जो चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो जबरन देंगे, जो चीज मेरे हुकूक हैं वो जबरन तलब नहीं करेंगे। जिस खुदा ने इबादत जबरन नाफिज नहीं की उस दीन में कहां से जबर और तशद्दुद और टेररिज्म आ सकता है? कहाँ दीन में जबर है, कहाँ टेररिज्म है, कहाँ तशद्दुद है? कोई तशद्दुद नहीं, दीन में तशद्दुद नहीं है, दीन में जबर नहीं है। और जो मुसलमान दीन में जबर और तशद्दुद से काम ले रहे हैं, कहर और गलबे की स्कीम को आगे बढ़ा रहे हैं, वो मुसलमान मुसलमान नहीं है हकीकी माना में। या खुद कन्फ्यूज़ हैं या गुमराह हैं। उन्हें ओन ना करें, डिसओन करें, कह दें ये हमारे नहीं हैं, हम में से नहीं हैं, ये ना हमारे हैं ना हम में से हैं, ना हमारा इनसे कोई ताल्लुक, ना इनका हमसे कोई ताल्लुक। अगर इनका दीन से ताल्लुक होता, सुने तल्ख जुमला कह रहा हूं, सब सुन रहे हैं, बेगुनाह जो मरे हैं और शहीद हुए हैं उनके वरसा भी इसमें कितने होंगे। तल्ख जुमला है, पैगाम है, अगर इनका दीन से ताल्लुक होता आज तक जितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं हुए हैं, कितने मस्जिदों में हुए, नमाजियों पर हुए, जुलूस अज़ा पर हुए, बहरहाल नमाज कोई पढ़ रहा हो किसी भी मसलक के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, रसूल करीम ने तो गैर मजहब के लोगों को मस्जिद में उनके मजहब के मुताबिक इबादत की इजाजत दे दी। आज का मुसलमान सिर्फ मसलकी फर्क के बना पर नमाजियों को भी हलाक कर देता है, और कहीं तो मसलकी फर्क भी नहीं है, अपने मसलक के लोगों को हलाक कर रहे हैं। अगर ये वाकयान वाकयान जरा सा भी हकीकतन इस्लाम से ताल्लुक होता तो आज तक जरा देखिए जो वाकई फोहश जगह हैं, सिनेमा हॉल हैं वगैरह वगैरह,
इन पर इतने बम ब्लास्ट नहीं हुए इन इस्लाम पसंदों की तरफ से। इस्लाम पसंद है आप, अल्लाह का दीन फैलाना चाहते हैं, तो जहां बुराइयां हो रही हैं वहां बम ब्लास्ट कीजिए, जहां नमाज पढ़ी जा रही है वहां क्यों बम ब्लास्ट कर रहे हैं? ये तो बहरहाल नमाज पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे हैं तो आके समझा दीजिए कि भाई ये तरीका नहीं, ये तरीका है जो बिल्कुल ही बेदीन है उस पर आपका लुत्फ और करम है। और नऊज़ु बिल्लाह, अब मैं मजबूर हूं, क्या कहूं क्या कहूं, ये जो कार्रवाइयां होती हैं इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। बस अब जो जुमला कहना चाह रहा था नहीं कहूंगा, बहुत तल्ख हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। क्या ये समझते हैं कि ये सिनेमा हॉल और ये फहाशी के मराकज ये इस्लामी मराकज हैं? और मस्जिदें और इमाम बारगाहें ये गैर इस्लामी जगह हैं। यहीं से पहचान लीजिए कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। कौन किसके लिए खिदमत अंजाम दे रहा है? एक तरफ मुसलमान तबाह हो रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों की मजहबी जगहें तबाह हो रही हैं। मुसलमान किस मेहनत से किस मशक्क़त से, अमीर गरीब सब मिलकर, अभी चंदे की यहाँ अपील हुई थी, कब्रिस्तान तामीर हो रहा है, कब्रिस्तान के लिए ज़मीन खरीदी जा रही है, आप सब तआवुन करें। मैं भी कहता हूँ आप तआवुन करें, जितने लोग तआवुन कर सकते हैं तआवुन करें, आखिरत में पैसा ले जाने का यही तरीक़ा है। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं, वाइज लोग आम तौर पर ये कहते हैं कि भाई ये दुनिया का पैसा माल यहीं रह जाएगा, ये कब्र में नहीं जाएगा या आखिरत में साथ नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, साथ जाएगा, साथ ले जाने का तरीक़ा होता है। अगर आप पाकिस्तानी हैं और आपके पास पाकिस्तानी पैसा है और आप अमेरिका जाना चाहते हैं, अमेरिका में पाकिस्तानी रुपया तो चलता नहीं, अमेरिका में डॉलर चलता है, तो आप ये रुपया नहीं ले जा सकते, और यूँ ही ले जाएंगे तो चलेगा नहीं। आप इसे किसी एक्सचेंज में जाकर रुपए को डॉलर से बदलेंगे। अब चल जाएगा तो दुनिया का धन दौलत जो है ये आखिरत जाएगा, मगर उस एक्सचेंज में जाके तब्दील करा लीजिए। कब्रिस्तान बनवाइए, मस्जिदें बनवाइए, रसूल की राह में खर्च कीजिए, इमाम की राह में खर्च कीजिए, दीन की राह में खर्च कीजिए, इंसानियत की राह में खर्च कीजिए, ये पैसा वहाँ जाएगा। बहरहाल मिसाल दे रहा था कि ये अपील हुई, मैं भी अपील कर रहा हूँ आप ज़रूर करें। और इसी तरह मस्जिदें, इमाम बारगाहें, मदरसे या मुल्क की इमलाक किस मेहनत से बनती है? अमीर गरीब सब जिसके पास जितना है वो चंदा देते हैं, हैं? मेहनत से पैसा कमाते हैं, चंदा देते हैं, और आपने एक बम ब्लास्ट में मस्जिद उड़ा दी। अल्लाह के गुनाहगार हुए, सरमाया बर्बाद किया मुसलमानों का, मुसलमानों को हर लिहाज से कमज़ोर किया, और फिर भी आप मुसलमान हैं और आपके पास असली इस्लाम है, बाकी सब के साथ नकली इस्लाम है या मुनहरिफ इस्लाम है? हरगिज़ ये जमात इस्लामी नहीं आए, वो चाहे यहूदियों के एजेंट हों, अमेरिकियों के एजेंट हों, इसराइलियों के एजेंट हों या शैतानियों के एजेंट हों, जिसके भी एजेंट हों, मगर मुसलमान नहीं हैं। जुमला तल्ख है मगर मजबूर हूँ कहने पर। इस्लाम का कहीं दूर दूर दहशतगर्दी, जुल्म, तादी, बर्बरियत और टेररिज्म से ताल्लुक़ नहीं है, ना इस्लाम का, ना कुरान का, न मुहम्मद अरबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, न निज़ाम विलायत का।
ये शुभा जहन से निकाल दें। बाकी गुफ्तगु इंशाल्लाह कल होगी। आज ये सब तमहीदी तमहीद में बातें यहाँ तक पहुँच गईं। जिस खुदा ने सजदा और इबादत जबरन आपसे हासिल नहीं किया, वो खुदा किसी और पे जुल्म और जबर की इजाज़त कैसे दे सकता है। दीन दीन रहमत है, और इसीलिए औलियाउल्लाह का हमेशा ये दस्तूर रहा आदम से लेकर आज तक। एक और बड़े शुभे का जवाब देता चलूं और यहीं से बाबे मसाइब शुरू हो जाएगा। मेरे पास एक बहुत बुजुर्गवार प्रोफेसर साहब तशरीफ़ लाए यूनिवर्सिटी के, और उन्होंने फरमाया कि मौलाना ये तौहीद का पैगाम, ये दीन का पैगाम, बताइए इससे इंसानियत को क्या फ़ायदा पहुंचा आज तक। इसलिए कि अल्लाह के नाम पर जितना खून बहा है, इतना आज तक किसी और नाम पर नहीं बहा। देखिए ये भी प्रोपेगंडे का एक हिस्सा है, ये भी प्रोपेगंडे का एक हिस्सा है। आप तारीख़ उठा के पढ़ें, तारीख़ का वर्जन किस तरह तब्दील किया जा रहा है। आदम ने कलमा पढ़वाने के लिए कोई खून बहाया? खून सबसे पहला जो रूए ज़मीन पर बहा है वो हाबील अलैहिस्सलाम का है। काबील ने अल्लाह के नाम पे खून बहाया था या हवाए नफ्स के तहत? हाबील ने तो खून नहीं बहाया, काबील ने खून बहाया हवाए नफ्स के तहत। वहाँ भी क्या था, हवाए नफ्स के साथ उसे किस चीज़ का की हवा थी, किस चीज़ की हिर्स थी, किस चीज़ का लालच था? माले दुनिया। कुर्बानी तलब की गई थी, हाबील ने जो कुछ उनके पास मैसर था उसमें से बेहतरीन हिस्सा निकाल के खुदा की राह में कुर्बान किया। चूंकि पूरे खलूस से था और बेहतरीन हिस्सा अल्लाह की राह में पेश किया गया था नजर के लिए, हाबील की नजर कबूल हो गई, हाबील की नजर कबूल हो गई। काबील ने बुखल किया, हिर्स से काम लिया, लालच से काम लिया, नीयत में खोट थी, और इसलिए जो अपने माल का बहुत ही मामूली हिस्सा था, नाकिस हिस्सा था, नजर के तौर पर पेश किया, नजर रद्द हो गई। एक तरफ नीयत में कमी थी, एक तरफ माल जो पेश किया गया था नाकिस था, दूसरी तरफ हसद पैदा हुआ, इसलिए कत्ल वाक़े हुआ। यानी कत्ल अगर वाक़े हुआ तो सरमाया परस्ती की नफसियात के तहत, न कि खुदा परस्ती की नफसियात के तहत। तवज्जो है, नूह ने कितने दिनों तक तबलीग की। कुरान मजीद में यह है कि नूह की कौम नूह पे इतने पत्थर बरसाती थी कि नूह पत्थरों से, तारीख में है, अहादीस में है, और कुरान में इजमालन है कि नूह की कौम ने, नूह अलैहिस्सलाम उनकी कौम ने उन पर कितना जुल्म किया। कहीं ये है कि नूह ने किसी को पत्थर मार के कहा हो कि कलमा पढ़ ले? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तौहीद का पैगाम पहुंचाने की सजा के तौर पर आग में डाला गया, मगर दुनिया के किसी इब्राहिम ने किसी काफिर को इस बिना पर आग में डाला कि कलमा नहीं पढ़ेगा तो आग में डाल दूंगा? कुरान मजीद में असहाब उखदूद का तस्करा मौजूद है। ये वो लोग थे जो खंदकें खोदकर उसमें आग जलाते थे और कलमा गोयों को, अल्लाह का नाम लेने वालों को उस जलती हुई आग में डाल देते थे, जिंदा जला देते थे। यानी अल्लाह का नाम लेने वालों को जलाया गया, कत्ल किया गया। अल्लाह का नाम लेने वालों ने अल्लाह का इनकार करने वालों को नहीं जिंदा जलाया या कत्ल किया। तारीख के किसी दौर में नहीं दिखाया जा सकता कि तौहीद का कलिमा पढ़ने वालों ने, अल्लाह का नाम लेने वालों ने, दीन पेश करने वालों ने, इस्लाम पेश करने वालों ने जुल्म और ज्यादती की हो। हाँ, इन पर जुल्म और ज्यादती हुई है नफ्स, हवाए नफ्स के तहत, सरमाया परस्तों की तरफ से, इख्तदार परस्तों की तरफ से, और आज तक यही हो रहा है, आज तक यही हो रहा है। इसलिए ये याद रखें, दिलो दिमाग से निकाल दें ये बात, मीडिया कुछ भी कहे, कितना ही झूठ बोला जाए, मगर सच सच है। इस्लाम की तारीख में सबसे बड़ा खुदा परस्त कौन है?
मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने तौहीद का कलिमा पेश किया। मेरा पुराना जुमला है कि इस कायनात का सबसे बड़ा मुअल्लिम तौहीद मुस्तफ़ा है, सबसे बड़ा आलिम तौहीद मुर्तजा है, सबसे बड़ा खुदा परस्त। आज जुमला और कह रहा हूँ, इस तरह के जुमले जब कहे जाते हैं तो उसके मानी ये नहीं होते कि वो हसर है। सबसे बड़ा खुदा परस्त हुसैन है। हुसैन से बड़ा कोई खुदा परस्त नहीं है। आप रोइएगा मगर एक शेर आ गया है जहन में सैयद नवाब अफसर लखनवी मरहूम का, अफसर लखनवी का, कहते हैं हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हर एक जहन में है कुछ ना कुछ तसव्वुर हक, हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। हम उस तसव्वुर हक को हुसैन कहते हैं। मुमकिन नहीं है कि किसी के जहन में हक का तसव्वुर हो और हुसैन ना हो, और मुमकिन नहीं है कि किसी के जहन में हुसैन हो और हक ना हो। हुसैन कायनात का सबसे बड़ा खुदा परस्त है। बताओ हुसैन ने जंग की या हुसैन से जंग की गई? कितने मौके हैं तारीख में, कितने मौके हैं तारीख में, कितनी मंजिलें हैं जहां इमाम हुसैन का ये जुमला मुअर्रिख ने जब्त किया है कि आका ने कहा हम अपनी तरफ से जंग का आगाज नहीं करेंगे। हुसैन को जंग करनी होती, जंग में इब्तिदा करनी होती तो मदीने में रह के जंग करते, इमाम को जंग करनी होती तो मक्के में रह के जंग करते, इमाम को जंग करनी होती तो करबला की तरफ रुख न मोड़ते, कूफे ही पहुंचते। इमाम को जंग नहीं करनी थी, इमाम को जंग करनी होती तो दो मुहर्रम को या चार मुहर्रम को जब नहर से खेमे हटाए जा रहे थे उस वक्त जंग कर लेते। इमाम को जंग करनी होती तो अब्बास के हाथ में आलम और मश्क न देते। इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन से जंग की गई। बस मजलिस खत्म हो गई। अगर जंग ही करना मकसूद होता तो, और अल्लाह की मर्जी मशीयत कुछ और होती तो सैयद सज्जाद को भी बीमार न डाल देता खुदा। ये तारीखें वो हैं, ये शबें वो हैं जब हम सैयद सज्जाद का तज़किरा करते हैं। कल आपकी शहादत की तारीख थी। एक रिवायत सुन लीजिए, मैं फ़ज़ाइल पढ़ूंगा मगर आप बेख्तियार रोएंगे, और मैं मना नहीं करूंगा, बेख्तियार रोएं। ये बेख्तियार गिरिया ये अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से ये भी लुत्फ है, ये भी करम है उसका कि उसने हमें ये दो आँखें दी हैं जिनका सरमाया ही आंसू है, और ये आँखें इसीलिए मिली हैं कि हुसैन पर रोया जाए। ये जुमला कह चुका हूँ इससे पहले, इल्मी मसाइल के लिए अक्ल की आँख मिली है, इरफानी मसाइल के लिए दिल की आँख मिली है, ये आँख तो रोने ही के लिए मिली है। इस आँख का तो सरमाया, इसकी पूंजी ही आंसू हैं, इसलिए रोइए। लेकिन रिवायत सुनिए, सैयद सज्जाद 9 मुहर्रम तक सेहतमंद थे। कहते हैं कि 9 मुहर्रम को सैयद सज्जाद ने ज़िरह पहनी, असलहा लिया, घोड़े पे तशरीफ़ फरमा हुए और मैदान करबला में एक मर्तबा घोड़े की जौलानी दिखाई
वो जलाल था, वो हैबत थी, वो शजाअत थी कि मैदान लरज रहा था। इमाम हुसैन के असहाब ने कहा, आका कल जंग का नक्शा ही कुछ और होगा। जिसके पास ऐसा जवान बेटा हो उसे किस बात का खौफ है। हुसैन ये सुन के रोने लगे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें मशीयत इलाही मालूम नहीं है, कल ये बेटा बिस्तर बीमारी पर होगा। और इस तरह बीमार पड़ गए सैयद सज्जाद कि फिर पूरा रोज़ आशूरा गशी की कैफियत में गुजरा। गशी की कैफियत में जब मैदान करबला में ये आवाज़ बुलंद हुई, अला कद कुतल अल हुसैन बि करबला, कद ज़ुबह अल हुसैन बि करबला, करबला में हुसैन कत्ल हो गए, करबला में हुसैन ज़बह हो गए। दो लफ्ज़े हैं, दो लफ्ज़े हैं। कत्ल होना एक लफ्ज़ है, ज़बह होना एक लफ्ज़ है। अजीज़ो बस दिल पे हाथ रख लो, सीने पे हाथ रख लो, दोनों अल्फाज आए हैं रिवायत में। क्यों आए हैं? कत्ल कोई किसी भी तरह कत्ल हो सकता है, कोई किसी भी तरह कत्ल किया जा सकता है, मगर ज़बह एक मखसूस तरीक़ा है, एक मखसूस तरीक़ा है। सरकार सैयद शुहदा को शकीन जालिम ने उस तरह जुल्म करके ज़बह किया है जैसे गोसफंद ज़बह किया जाता है। जब सरकार कत्ल हुए और ज़बह हुए उस वक्त भी सैयद सज्जाद गशी की कैफियत में थे। जब करबला की सरजमीन को जलजले के झटके लगे तो एक मरतबा आँख खोली, फूफी अम्मा खैर तो है? फूफी ने कहा, बेटा एक आवाज गूंज रही है फजा में। और एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा उठाए। फूफी ने खैमे का पर्दा उठाया और सैयद सज्जाद ने कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबता याबना रसूलिल्ला, ए बाबा ए रसूल खुदा के फर्जंद आप पर सलाम। यहां से सैयद सज्जाद की मुसीबतों का आगाज होता है, यहां से सैयद सज्जाद की मुसीबतों का आगाज है। बस ये जुमला लाहौर में कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी मुसीबत यह है सैयद सज्जाद की कि इमामत हासिल होने के बाद जो पहला हुक्म दिया है वो अजीब हुक्म है। और वो हुक्म ये है कि जब खैमों में आग लगने लगी और बीबियाँ फिर उस खैमे में आ गईं जिसमें सैयद सज्जाद थे, और उस खैमे में भी आग लगा दी जालिमों ने, तो एक मरतबा फूफी ने पूछा, बेटा सैयद सज्जाद तुम इमाम वक्त हो, बताओ हम जलते हुए खैमे में जल के मर जाएं या बेरिदा खैमों से बाहर निकल जाएं। और उस वक्त सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा जान बचाना वाजिब है, खैमों से निकल जाएं। ये पहली मुसीबत। और दूसरी मुसीबत यह है, बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ, वक्त बहुत हो चुका। दूसरा जुमला और आखिरी जुमला, सबसे बड़ी मुसीबत यह है, जवान बेटे की आरजू ये होती है कि बूढ़ों के काम आए, बुज़ुर्गों के काम आए, भतीजा फूफी के काम आए, बेटा माँ के काम आए। मगर सज्जाद की मुसीबत यह है कि सज्जाद मरीज हैं, बीमार हैं। पहले तो फूफी को हुक्म दिया कि खैमे से निकल जाएं, और उसके बाद अब बजाय इसके कि भतीजा फूफी को उसके लिए सहारा बने, फूफी भतीजे के लिए सहारा बनी है। दुश्मन रावी कहता है, खैमे से शोले भड़क रहे थे और मैं देख रहा था एक बीवी बार बार शोलों में जाना चाहती है और पलट के वापस आ जाती है।
फिर आगे बढ़ती है, फिर पलट के वापस आ जाती है। मैंने आगे बढ़ के पूछा, कौन सी ऐसी कीमती शय रह गई है जिसकी खातिर जाना चाहती है। बीबी ने कुछ जवाब न दिया और एक मर्तबा भड़कते हुए शोलों में दाखिल हो गई, और अब जो देखा वापस आई पुष्ट पर एक बीमार जवान को लेकर आ रही है। ये ज़ैनब ने भतीजे को सहारा दिया है, ये बीबी ने इमामत को सहारा दिया है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।